सो गाइस, तो ये कुछ एरर के बारे में बात कर रहे थे हम, जो कि आई होप क्लियर हो गया था सबको। तो निशान जैन अवेलेबल हैं अभी चैट में? हाँ निशान जी, निशान जी, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई थी आपको? ये डाउट क्लियर हो गया था आपका, जो भी एरर मैसेज आ रहा था? नहीं, चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये ऐसा था कि आपने ना ये इंट ले लिया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज नहीं चलेगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये इनपुट जो वैल्यू लेता है वो तो सारी स्ट्रिंग वैल्यू होता है, और जो स्प्लिट फंक्शन है वो स्ट्रिंग वैल्यू पे ही काम करता है। और आपने क्या कर रहेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, तो आपने जो स्प्लिट लगाया हुआ है वो इंट पे लगाया हुआ है, जो कि काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जो स्प्लिट फंक्शन है हमेशा वो स्ट्रिंग वैल्यू पे काम करता है, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पे लगाना चाहिए था एक, और क्योंकि फिर वो सब सारी वैल्यू को इंट पे कन्वर्ट नहीं करेगा एक एक करके, तो ये चीज़ हम हटा देंगे यहाँ से। या तो ऐसे कर सकते हैं, एक एक वैल्यू ले लो, या फिर एक एक वैल्यू को ये ऐसे इनपुट ले लो। स्ट्रिंग फिर वो कंपैरिजन नहीं चलेगा ना उसका। ये देखो ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है। अब स्ट्रिंग वैल्यू आपने कैसे ली वो मेरे को कोड दिखाओ जरा, ये सब ना थोड़ा सा चैट पे डाल दे करो, ताकि मेरे को बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए उसको देखने में, ठीक है। तो ये एक वे आउट है जिसको हम चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। निशान एक बार ट्राई करो उसको, और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम था उसमें और हम कैसे कर सकते हैं। बाकी सब ने बहुत अच्छे से किया है, हाँ जी। नीरज तिवारी जी बोलिए, मतलब चैट पे बात बताइए, क्या प्रॉब्लम? कोमल को प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि तीनों को आपने वन वैल्यू दे दिया ना, तो वन वैल्यू देने का मतलब क्या है, वन से तो वन ऑब्वियसली ग्रेटर देन नहीं होगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा। नीरज तिवारी जी, एरे ने प्रोग्राम सक्सेसफुली इनपुट लिया सारी वैल्यूज, ठीक है। इधर इंट कहाँ लगाया आपने? इंट तो कवर किया ही नहीं। और दूसरी बात, नीरज जी, ये दोनों ग्रेटर देन गया प्रिंट एक्स, आप क्या बोल रहे हो कि हाँ जेड हमेशा ग्रेटर प्रिंट करेगा ना? क्योंकि देखो आपने दो प्रॉब्लम कर दिया, एक तो आपने इंट नहीं लगाया है, ठीक है। चलो इसको मैं कोड करके देता हूँ आपको गाइस, ठीक है। ये एलिफ का यूज किया है आपने, चलो ग्रेट, अगर आपने इसको यूज किया है तो। नीरज जी, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस कोडिंग। मैं थोड़े अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इसको, विदाउट एंड ऑपरेटर, ठीक है। आप सबका भी तरीका काम करने का सही था, मैं भी एक तरीका बताता हूँ उस पर काम करने का।
ए एंटर वैल्यू ऑफ ए ओके, ये तीनों वैल्यू हमने इनपुट करा एंड देन इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो हम क्या करेंगे, फिर इसके अंदर एक और इफ लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, देन प्रिंट ए इज लार्जेस्ट else C is largest, ठीक है, यहां पे मैंने लिया else and then again if B is greater than C so print B is largest else C is largest, ठीक है, रन करें, वैल्यू ऑफ ए 10, B की 20, C की 30, C is largest, एक बार और रन कर देते हैं, 10 5, 2, A is largest, एक बार और रन कर देते हैं, 10, 20 और 5, तो B is largest, यानी कि मेरे हिसाब से तो result सारा सबका सही आ रहा है, और ये काम कैसे कर रहा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कि हमने क्या किया, हमने ए और बी की वैल्यू को पहले चेक किया, अगर वो बड़ी है तो हमने उसके अंदर उसके इंटेंशन में या उसके कंडीशन के कंट्रोल में एक बार और इफ एल्स लगा दिया, विच इज़ पॉसिबल, ठीक है, तो ये भी एक वे आउट है, ये भी एक तरीका है काम करने का, ठीक है ना, फिर ये वाला जो एल्स है ये मैच कर रहा है इस वाले इफ से, अगर ये कंडीशन पहले ही गलत हो जाती है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है तो हम इस वाले पार्ट में आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू ए से बड़ी है, ए के बराबर है, उससे बड़ी है, तो फिर हम यहाँ पे फिर एक और कंडीशन लगाई हमने यहाँ पे कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए बी ए से तो बड़ा है, वो तो ऊपर कन्फर्म हो गया, तो अब बी को हम नेक्स्ट सी से चेक करेंगे, सॉरी ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बी दोनों से लार्जेस्ट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो एल्स पार्ट में आकर हमारा सी लार्जेस्ट हो जाएगा दोनों से, ठीक है गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ बताना है, निशान जन इंट के टाइम पर हम सिंगल लाइन से कैसे इनपुट ले सकते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है, नॉर्मल जब नॉर्मल मैसेज लेते हैं तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, इसका वे आउट है, निशान जी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं आपको अलग तरीके से बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, फिलहाल अभी इस पर फोकस करिए, जो मेन है हमारा कि इफ एल्स कंडीशंस, ठीक है, इसको एक बार देखिए, समझिए, बताइए मेरे को, बहुत क्लीन कोड लग रहा है, आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा,
कर रहे हो आप सब? बता दो मेरे को स्टेटस में, डूइंग और नॉट डूइंग। ओके गुड। देन बी इज ग्रेटर शो कर रहा होगा कोमल। हाँ जी अमित मिश्रा जी बोलिए। तो आउटपुट क्या आया? आप हाँ तो मैं कोमल को बताता हूँ। तो देखो कोमल बी लार्जेस्ट ही आएगा क्योंकि आपने ए और बी को दोनों को टू टू वैल्यू दे दिया। अब जो कंपेयर हम कर रहे हैं वो तो ग्रेटर देन साइन के लिए कर रहे हैं। अब ए की वैल्यू बी से बड़ी तो है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो बी की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है ना? इसको और ज़्यादा हम रिफाइन कर सकते हैं कि भैया अगर बी दोनों सेम है तो ऐसा कर दे, सेम कर दे, तो वो थोड़ा और एक्स्ट्रा कोडिंग चली जाएगी इसके अंदर। फिलहाल बी क्यों आ रहा है इसका कारण मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, अब दोनों की वैल्यू सेम है, कंडीशन तो हो गई फेल। फेल होने के बाद तो चले गया वो एल्स वाले पार्ट में। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या लगाई हुई है हमने कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। ओके अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फेल है तो हम एल्स पार्ट में आ गए। अब एल्स पार्ट में अंदर कंडीशन में क्या डाली हुई है कि बी की वैल्यू सी से बड़ी है कि नहीं है, तो ऑब्वियस है बी की वैल्यू टू है और सी की वैल्यू वन है, तो कंडीशन ट्रू है तो बी इज लार्जेस्ट आ जाएगा। ठीक है कोमल जी, क्लियरिटी आई है अभी? क्योंकि ए और बी वाली, ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन फेल हो गई थी इसलिए हम एल्स पार्ट में आ गए। हाँ, यही कारण है। अमित मिश्रा जी इज इट रनिंग और आउटपुट सही आ रहा है? ओके ग्रेट। चलो सबका हो गया है ऑलमोस्ट, तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक यहां से हम लेते हैं। इफ एंड एलिफ कंडीशन, देखो गाइस ये एलिफ वाला कंडीशन क्या होता है, इसको अगर हम सी में बात करते हैं वो एल्स इफ लेटर बोलते हैं हम सी के अंदर, है ना? इसमें एलिफ आ गया। एलिफ का क्या कारण होता है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं ना आपको एक टास्क देता हूँ करने के लिए।
हाँ संदीप, वो कुछ रेनिंग हो रही है ना यहाँ पे, बारिश हो रही है, तो इस कारण से थोड़ा कनेक्शन में इशू आ गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अमित मिश्रा जी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, इज इट ओके और नॉट, क्योंकि आपका वाला जो डाउट था उसमें आपने स्ट्रिंग के साथ काम किया था ना। देखो आंसर सही आ रहा है, इट डजंट मीन कि वो लॉजिकली गलत सही है, उसमें है दिक्कत कुछ। ठीक है, अभी हम उसको बस वाली प्रॉब्लम को मैं दिमाग में रखता हूँ, जैसे ही टाइम आएगा तो मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्या दिक्कत आती है ना, वो कुछ आज के कोड का पीछे का रहता है उसका। ओके, वो वैल्यू पे काम नहीं कर रहा, वो आज के कोड पे काम कर रहा है। ठीक है ना, टेक्निकली वो नहीं सही है, चल रहा है, इट्स ओके। ठीक है, बट क्योंकि आपने इंट में कन्वर्ट नहीं किया ना अमित मिश्रा जी। ठीक है ना, समझ आया? ठीक है संदीप, आप ओपन ओपन कर लीजिए, आप बंद हो गया ना, कभी बंद करेगा तो 9 o'clock तक ही बंद करते हैं, नहीं तो मैं जब भी कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करके जाऊंगा। अगर एकदम से बंद हो जाए तो समझ लीजिए ना कोई दिक्कत है, एकदम से तो कोई भी क्लास को बंद नहीं करेगा। ठीक है संदीप जी, तो गाइज स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ओके, तो एल्स इफ कंडीशन की, तो इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसका यूज कहाँ होता है, और मैं बता रहा था कि सी के अंदर लैडर, एल्स इफ लैडर का नाम से इसको जानते हैं, यहाँ पे इफ एलिफ कंडीशन से हम जान रहे हैं पाइथन के अंदर। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, व्हेन यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस, अब कहाँ कहाँ किस किस जगह में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल सकते हैं मेरे को बताओ, तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि इसके अंदर जैसे कि आप किसी की कोई ग्रेड्स निकालने हैं। ठीक है, तो मेरे ग्रेड उसमें काम आते हैं, किसी को कोई डिस्काउंट देना है अकॉर्डिंग टू द बिलिंग अमाउंट, उसमें हम काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर काम करता है रैदर देन इफ एल्स, इफ एल्स के बेहतर ये एल्स इफ काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक ऑप्शन देता हूँ, मतलब एक प्रोग्राम करके देता हूँ, पर इसका काम करने का तरीका क्या है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंटेक्स दे देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे। तो इफ कंडीशन स्पेस स्टेटमेंट 1, एलिफ फिर कंडीशन स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे ध्यान देखिए आपने, यहाँ पे एक तो मैंने एलिफ लगाया, इससे पहले जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर एल्स लगा रहे थे सिर्फ, और गाइज एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती है, एलिफ के साथ कंडीशन आ सकती है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं इसको इसी के सामने लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, ताकि आपको मैं याद दिला दूँ। हमने पहले पढ़ा था इफ एल्स के बारे में, इसमें इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, फिर एल्स फिर स्टेटमेंट। अब यहां पे देखो, यहां एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, कंडीशन इफ एल्स में सिर्फ इफ वाले पोर्शन के साथ आती है, एल्स वाला पार्ट क्या है उसको कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन का अगर फॉल्स आता है तो एल्स में जाएगा, एल्स की खुद की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है, कंडीशन हमेशा इफ में लगती है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आप इसको एलिफ यूज कर सकते हो, जिसका मतलब है एल्स इफ, इफ कंडीशन आ गया फिर एलिफ के बाद एक और कंडीशन डाल सकते हैं हम। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम एल्स डाल देंगे, जैसे आपके पास 3 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, अगर कंडीशन मैच करती है पहले ऑप्शन में तो स्टेटमेंट 1, नहीं तो दूसरी कंडीशन मैच करती है स्टेटमेंट 2, नहीं तो फाइनली तीसरी स्टेटमेंट आ गई आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपका ये इसमें नोटपैड में। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के देता हूँ जिसमें हमें क्या करना है, हमें ग्रेड फाइंड आउट करने हैं कि भैया फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, फेल है, क्या है स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कहा मैंने?
कि हमें अब ग्रेड फाइंड आउट करने हैं या एवरेज के बेसिस बिहाफ पे, तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसको समझ के आप अच्छे से रन करना। तो हमने क्या करना है, ग्रेड के लिए पाइप प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम क्या है, राइटर प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड्स। तो हम यहाँ ले लेते हैं वैल्यू मार्क्स लिए स्टूडेंट के, इंट एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका 5 एंड देन इफ एवीजी इज ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट एक्सलेंट। एल इफ फिर एवरेज इज ग्रेटर देन 80 70 देन फर्स्ट या कुछ भी आप जैसे हिसाब से आप डालना चाहें। एलिफ एवरेज एवरेज एंड फाइनली एल्स प्रिंट फिल। ठीक है, और यहां पे हम मार्क्स एंटर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट लिखना भूल गया। ठीक है, सो हमने बोला 450 मार्क्स, हमारे पास फर्स्ट ग्रेड आ गया। ठीक है, और वही हमने दोबारा रन किया, 455 डाला, सॉरी 455 डाला तो हमारे पास एक्सेलेंट ग्रेड आ गया। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ गाइस?
फाइव डिफरेंट नंबर्स ना, ठीक है वो भी पॉसिबल है अगर ऐसा आप चाह रहे हैं तो, मैं वो कर देता हूँ ठीक है। बट हमारा मैं इसको अलग से बना देता हूँ, पांच नंबर कैसे लेते हैं ठीक है संदीप, इसी में थोड़ा सा हॉट स्पॉट ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा मेन कंसर्न हमारा ये था, टोटल तो हम कर ही लेंगे पाँच नंबर का है ना, बट फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ यहाँ पे। नमिता जी क्वेश्चन अच्छा है आपका, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लास्ट में हमने कोई मैच तो करना नहीं हो, तो बच गए जितने बच गए, वो 40 से नीचे कुछ भी हो सकते हैं है ना, तो इसलिए हमने एल्स लगा दिया, कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है नहीं वहाँ पे। ये थोड़ी है कि 40 से नीचे और 20 तक वाले फेल होंगे, उससे नीचे वाले कुछ और होंगे, मतलब ये तो लास्ट ऑप्शन आ गया, एंड डेड एंड आ गया, इसलिए हमने एल्स लगा दिया और वहाँ पर हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है नमिता जी। और आपका जो था कि जरूरी नहीं कि एल्स लगाना एक कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं, एल एफ भी लगा सकते हो, इट डिपेंड्स हाँ ठीक है ना, क्लियर हो, एल एफ भी लगा सकते हो लेकिन कोई लॉजिकल नहीं बनता वहाँ पे है ना, सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट नहीं होगा लेकिन लॉजिकल नहीं है ठीक है, एल एफ लगाना लास्ट में, इसलिए हम एल्स लगा सकते हैं हाँ ओके। तो अभी मैं बात कर रहा था इसकी, तो ए बी सी डी ई या एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव इनपुट एंड देन स्प्लिट स्पेस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना, क्योंकि नहीं तो वो ज्वाइन कर जाएंगे, इंट वन फाइव फोर थ्री टू इसको डबल कोर्स के अंदर ठीक है, 500 मार्क्स एंटर करवाए हमने इससे, लेट्स सपोज 90 कर दिया हमने, 80 कर दिया, 70 कर दिया, 60 कर दिया, 50 कर दिया ओके। अब ये क्या कह रहा है, स्प्लिट में हमें स्पेस का दिक्कत आ रहा था यहाँ पे, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक ओके, इसको रन मैंने स्लाइडिंग में एक स्पेस दे दिया था गलती से, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। ठीक है सही आया, नहीं 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 अमित मिश्रा जी, इंट का यूज फर्स्ट स्टेटमेंट में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये पांच वैल्यूज आ रहे हैं, इंट एक बार में सिर्फ एक ही स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करता है, अब वहां से पांच स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएंगी तो फिर वो नहीं कन्वर्ट करेगा, फिर वो एरर मैसेज देगा ठीक है। तो ये तरीका है काम करने का, यहाँ पे आप बोल रहे हो इनपुट से पहले इंट लगाने की बात कर रहे हैं ना, वहां नहीं चलेगा क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं पांच डिफरेंट वैल्यूज को। इंट का काम क्या होता है, इंट फंक्शन का, वो एक बार में सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करता है अपने इसके अंदर इंटीजर में,
स्प्लिट का काम होता है कि आपका जो ये स्ट्रिंग है ये सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको उसने स्प्लिट कर दिया स्पेस के बिहाफ पे, 90 को अलग निकाल दिया, 80 को अलग निकाल दिया, यानी कि एक स्ट्रिंग में से उसने पांच स्ट्रिंग बढ़ा दी, ठीक है, ये काम था स्प्लिट का। अब वो पांच जो स्ट्रिंग बनी है उनको एक एक करके इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ये काम करता है इंट फंक्शन। अब इंट फंक्शन एक बार में पांच स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर सकता इंट के अंदर, उसके लिए हमने उसको यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यू को इंट में कन्वर्ट किया है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे इंट एक बार में एक एक इंट नहीं लगा सकते, क्लियर, ये आपको समझना है, इसको देखो। ओके ओके ग्रेट अमित, ग्रेट, तो इसको रन करो गाइस, एग्जीक्यूट करो, देखो समझो, बताओ मेरे को। और इसी के बिहाफ पे मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूँ यहाँ पे, और वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, देखो चैट पे फटाफट बता दो, और इसको प्रोग्राम बनाओ यूजिंग एल्फ, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है एलिफ की हेल्प से आपको कराना है, ठीक है, तो सैंपल के तौर पे एग्जांपल फिर जो कॉस्ट आपका हो गया लेट सपोज 4000, तो डिस्काउंट कितना मिला आपका, 4000 का डिस्काउंट कितना होगा, 15%, कितना होगा 15%, बताओ, हाँ 600 रुपीज, और नेट अमाउंट पेबल फोर, तो ये आपका आज का है, फटाफट इसको करके बताओ मेरे को। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, कोई चैट पे बोल ही नहीं रहा कुछ, ये क्वेश्चन समझ आया सबको, हाँ करो फटाफट इफ एल्स एलिफ की हेल्प से।
कोई एक निशांत जैन, हुआ सबका किसका नहीं हुआ, क्या अनिल पाटीदार ने क्या लिखा है? ठीक है, रन कर रहा है अनिल ये प्रोग्राम? ओके ग्रेट, वेल डन अनिल। बाकी सब कर रहे हो ना अभी? करो जल्दी करो। हो गया सबका? यस नो व्हाट डूइंग, कोई स्टेटस है? ओके करो करो, 5 मिनट और।
तो वेज डन नहीं हुआ संदीप? ओके, नीरज तिवारी ने संदीप को हेल्प किया है कि कॉस्ट कैपिटल में, यस वेरी गुड वेरी गुड नीरज तिवारी। नमिता डन? ओके संदीप, टेक टेक योर टाइम। नमिता कौरा आपने कुछ अपना ये डाला है कोड, इसमें क्या लिखा हुआ है? ठीक है गुड, ओके वर्किंग फाइन ग्रेट। तो समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको? कुछ कोडिंग कोमल गोयल, हाँ कोड शेयर करिए। ये वर्किंग नहीं कर रहा, कुछ एरर मैसेज आया बताओ मेरे को जरा। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया आपने पहले ही? मेन तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना था ना कोमल जी। देखो क्या बोल रहा है ये, आपने खुद लिया लास्ट में, देखो नेम एरर क्या है लास्ट में, लास्ट नेम एरर डिस्काउंट, डिस्काउंट तो कहीं लिया ही नहीं आपने, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप उसको? ठीक है चलो लेट मी डू इट, आई होप थोड़ा सा आपको उसमें गाइडेंस मिलेगा। कोमल वेल डन, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट इतना बड़ा लंबा कोड लिखने के लिए। ठीक है तो हमें थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क भी करना होता है कोमल, इट्स अ गुड थिंग कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो थोड़ा सा हम सीखो काम कैसे करते हैं। ठीक है ना, बट आई अप्रिशिएट योर ऑल गाइज, जो आप समझ भी रहे हो सुन भी रहे हो साथ साथ कोडिंग भी कर रहे हो, है ना। चलो जी लेट मी डू इट फॉर यू गाइज, और मैं आपको एक एक लाइन बताता भी चलूंगा और करते भी चलेंगे, है ना। ओके ऑल रेडी संदीप, आर यू रेडी? वन मिनट बोल रहे थे आप। कोमल आर यू रेडी? ओके लेट मी डू इट। तो इसको सेव करते हैं आज का प्रोग्राम नंबर 5, डे 5, इसको करते हैं बंद यहाँ से। तो मैंने आपको एक टास्क दिया था करने के लिए जिसमें हमें ये डिस्काउंट फाइंड आउट करना था, जिनका हो गया है ग्रेट, जिनका नहीं हुआ वो देख लो कैसे हम कर रहे हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा था ये, है ना, और इसके लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले अमाउंट लेना था यूजर से, अमाउंट लिया हमने, एंटर टोटल अमाउंट, ओके अमाउंट मिल गया हमें। अब हमें क्या कल चेक करना था कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट यहाँ पे ऐसे ले लेंगे ऊपर, जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कितना था 20%, तो 20% को वैसे लिखते हैं 0.2 डायरेक्टली, है ना। एल्स इसको मैं कमेंट करके बताता हूँ कि कहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा सर ये 0.2 कहाँ से आ गया, है ना। ओके संदीप मैं देखता हूँ एक मिनट आपके, है ना, पहले मैं कर रहा हूँ उसको आप देख लो। ठीक है थैंक यू। एलिफ अमाउंट इज ग्रेटर देन
2000 डिस्काउंट पॉइंट 15 एलिफ नॉन ग्रेटर देन 1000 डिस्काउंट else में कुछ है नहीं डिस्काउंट, यहाँ पे else लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नेट अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस डिस्काउंट एंड देन प्रिंट टोटल अमाउंट में डाल दिया, लेट्स से 7000, तो ये हमारा 1400 आपका जो 20% बनता है इसका वो डिस्काउंट लेके आपका आ गया, ठीक है। ऑल डन, क्लियर है ये? हाँ इट विल वर्क सचिन तिवारी, इट्स वर्क, यस यस इट्स वर्क, सेम हियर, मैंने भी सेम किया, देखा। ओके जीरो पॉइंट कर दो या पॉइंट जीरो कर दो, काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे 20 कर दो, ये तो सिंपल मैथ है ना। ये रहा, ये यहाँ पे संदीप, ये रहा, ये रहे प्रिंट आउट यहाँ पे, सी है, ठीक है। चलो इसको कर लो आप सब भी। ओके चैट पे समझ नहीं आ रहा इसका, कोड प्रिंट करना है, आउटपुट प्रिंट करना है सचिन संदीप, तो मैं इस फाइल को शेयर करता हूँ आपके साथ, है ना। ओके मैं सबको फाइल शेयर कर दिया, आप देख लो इसको। और उसमें एक चीज और ऐड कर दो, ये करके बताओ मेरे को फटाफट, ठीक है। ये देखा मैंने क्या चेंज करा है यहाँ पे, नोटपैड देखो आप सब,
इतना अगर सबका हो जाता है तो इसी में कोड में कुछ एडिट करो, और इसमें आपको जीएसटी 18% निकालनी है जो टोटल अमाउंट है नेट अमाउंट का, और टोटल नेट अमाउंट फिर क्या रहता है आपका, ठीक है, आफ्टर जीएसटी। और जीएसटी यू नो टैक्स रहता है, सबको पता है ना, वो ऐड होगा आपके गिवन अमाउंट में, और डिस्काउंट जो होता है वो माइनस होता है। तो इसको भी हल्का सा चेंज करो, और मेरे को फटाफट कोड कॉपी करके मेरे को दो चैट पे। यस नो ओके मे बी कुछ तो लिखो चैट पे, सब सुन लिया ना मेरी बात को आपने, क्या बोला मैंने? हाँ ये ऐसा रिप्लाई कर दे करो ताकि मेरे को लगे कि आप सब मेरे को सुन रहे हो और समझ भी आ रहा है आप सबको, है ना? चलो करो फटाफट स्टार्ट करो, 5 मिनट।
हाँ जी, तो हो गया सबका? अभी कर रहा है कोई? कोई फंस गया क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही किसी को? एनी डाउट? शैल वी रैप अप दिस सेशन आज के लिए? ओके ग्रेट। कोड मैंने शेयर किया था संदीप, अभी मैंने फाइल शेयर की थी ना एक, मैं चैट पे भी डाल देता हूँ, डोंट वरी। ओके गाइस, नाउ वी आर रैपिंग अप दिस सेशन। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्या करें, कुछ दिक्कत आ गई थी और फिर बारिश हो गई थी, 15 मिनट का डिले, वो हो गया। ओके नॉट एन इश्यू आशीष, नॉट नॉट एन इश्यू, आई विल टेक केयर। ओके गाइस, अरे कंफर्म कर दो, शैल आई शट डाउन? ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर। और